मशहूर एक्टर और पुष्पा में अल्लू अर्जुन के लिए आवाज देने वाले श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक आया है। मुंबई में शूटिंग खत्म करने के बाद तुरंत उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश हो गए। फिलहाल एक्टर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 47 साल के एक्टर के मैनेजर के मुताबिक उनका बीपी अचानक काफी बढ़ गया था, फिर उन्हें एंजियोप्लास्टी के लिए अस्पताल लेकर गए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि श्रेयस तलपड़े बिल्कुल ठीक थे। वह तो इन दिनों अक्षय कुमार के साथ आने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग कर रहे थे। गुरुवार को भी वे शूटिंग कर रहे थे और पूरी तरह से स्वस्थ थे। काम खत्म करने के बाद एक्टर घर लौटे और फिर उन्होंने असहज होने की शिकायत की। तब उनकी पत्नी उन्हें अस्पताल ले जाने लगी तो वे रास्ते में ही बेहोश हो गए। श्रेयस तलपड़े की तबीयत को लेकर सूत्रों ने बताया कि श्रेयस तलपड़े को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें देर शाम लाया गया। अंधेरी पश्चिम में शहर के बेलव्यू अस्पताल में एक्टर की एंजियोप्लास्टी की गई। वे फिलहाल आईसीयू में हैं और उनकी हालत स्थिर है। जानकारी के अनुसार श्रेयस तलपड़े ने पूरे दिन शूटिंग की। वे बिल्कुल ठीक थे और सेट पर सभी के साथ मजाक कर रहे थे। सूत्रों ने यह भी बताया कि श्रेयस तलपड़े सेट पर काफी अच्छे से काम कर रहे थे। उन्होंने खूब हंसी मजाक किया और थोड़ा बहुत एक्शन वाले सीन भी किए। हालांकि अभी तक श्रेयस की टीम से किसी और भी प्रकार का कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। एक्टर के फैंस उनके हेल्थ अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं।